Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं The Resident Evil 8 Village. तो guys जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि इस गेम में हमें अपनी बेटी Ethan की बेटी रोज को बचाने के लिए टोटल चार मॉन्स्टर्स को मारना है, जिसमें से मैं तीन मॉन्स्टर को मार चुका हूँ. पहली थी लेडी डिमिट्रियस, दूसरी डोना बेनिवेंटो एंड थर्ड मॉन्स्टर था मोरो, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस था एंड उसको भी मैंने मार दिया. अब उसको मार के मैं जा रहा हूँ चौथे मॉन्स्टर को मारने के लिए, जो कि जो लेडी थी उसका भाई है हाइजेनबर्ग, और ये इस गेम का जहां तक मुझे लगता है सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है. बट अभी मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है. एक रॉकेट नहीं, ग्रेनेड लॉन्चर था जिसको मैंने पीछे मिस कर दिया है, कोई गलती से नहीं अपनी नूबनेस से. मेरे सामने वो पड़ा हुआ था, मैंने देखा नहीं. आई डोंट नो कि अभी मैं उसे पीछे जाके ले सकता हूं या फिर नहीं, बट कोई नहीं, अभी मेरे पास एक छोटी मोटी गन है, शॉर्ट गन है, मुझे उसी से लड़ना होगा और देखते हैं कि क्या मैं आगे तक जा पाऊंगा. कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई ऐसा मॉन्स्टर आ जाए जो कि मेरी मामूली गन से नहीं मरे, मेरे लैंडमाइन से भी उसे कोई फर्क ना पड़े, उसको मारने के लिए सिर्फ वो ग्रेनेड लॉन्चर चाहिए हो तो दिक्कत हो सकती है. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. मतलब यार इतने सारे मॉन्स्टर्स को मैंने इन नॉर्मल गन्स से ही मार डाला. यार अगर मेरे पास उस टाइम पे रॉकेट लॉन्चर होता तो मैं कितनी आसानी से उन्हें मार देता. खैर वो रॉकेट लॉन्चर नहीं, वो ग्रेनेड लॉन्चर है. एंड अभी मुझे यहां से बढ़ना है आगे. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अब मुझे ड्यूक वापस मिलने वाला है या फिर नहीं. वैसे हाँ, ड्यूक से फायदा ये होता है कि वो हमें थोड़ी बहुत गन्स की एमो, ग्रेनेड लॉन्चर्स, ग्रेनेड से सब मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया रहते हैं. यहां से भी कुछ ना कुछ ओके एमिनेशन, शॉटगन की एमो एंड मेरे को यहां पर काफी सारे स्नाइपर की एमो मिल गया है जो कि बहुत ज्यादा सही है. एंड मुझे यहां पर फोर्थ फ्लास्क भी मिल गया है, चार फ्लास्क को जोड़ के. ये क्या हुआ? मुझे मालूम था कुछ ना कुछ अजीब होगा. एंड यहां पर कुछ मुझे पुरानी स्टोरी दिख रही है कि मोरो हाइजेनबर्ग. ओके ये कुछ मुझे पुराना सा दिखा. आई थिंक ये कुछ वापस नहीं जा सकता हूँ. Exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. Okay, आ रहा हूँ मैं फिर. ठीक है आता हूँ. यार ये हाइजेनबर्ग या तो थोड़ा बहुत समझदार बंदा है या फिर कुछ ज्यादा ही तेज दिमाग वाला है. यहाँ पर इसने आगे जाने का रास्ता खोल दिया है एंड पीछे जाने का रास्ता शायद जहाँ तक है बंद कर दिया होगा. बट अभी वो मुझे अपने पास बुला रहा था, मुझे जाना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि ये हमें नुकसान पहुँचाने वाला है कोई. वैसे हाँ यार ये नुकसान तो पहुँचाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नॉर्मली हमें यहाँ से जाने देगा. फिलहाल यहाँ पर एक बोट पड़ी है, शायद मुझे उस बोट पर बैठ के आगे जाना है. पीछे कोई इंपॉर्टेंट आइटम तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ? हाँ यहाँ कुछ था, ये प्लेट मैं ले लेता हूँ. ठीक है यार अभी मैं थोड़ा बहुत एकदम मैं ध्यान रख के आगे बढ़ूंगा. पिस्टल निकाल लेता हूँ, सब कुछ रीलोड है, लेट्स गो. अभी मैं पूरा रेडी हूँ आगे बढ़ने के लिए. एंड मैं थोड़ी बहुत ना हीलिंग क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए, बट हाँ वो हम लोग बाद में करते रहेंगे. फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से. पूरा देखते हुए मैं आगे चलने वाला हूँ क्योंकि ये जो टनल है इस जगह पे भी काफ़ी सारे हाइजेनबर्ग के अजीबोगरीब मॉन्स्टर है. ये क्या चीज़ है पता नहीं यार, इस बोट में बिल्कुल भी वो नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे. बट हाँ फिर भी जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ बोट रुक जा रही है वहीं पर एकदम स्टिल. अभी मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, आई थिंक मुझे यहीं पर आना है. लेट्स गो, मैं उतरता हूँ यहाँ से अपनी बोट को एकदम बढ़िया तरीके से लगा के. अभी फटाफट हम लोग ना यहाँ से बढ़ते हैं आगे. ये जगह थोड़ी बहुत तो डेंजरस लग रही है बट मुझे यहाँ पर अभी तक कोई भी मॉन्स्टर. यहाँ पर अब दो रास्ते हैं. ठीक है लेट्स गो. अभी मुझे पहले जाना चाहिए ऊपर वाले रास्ते पे, क्या पता कि कोई इंपॉर्टेंट सामान मिल जाए या फिर क्या पता कोई बाल पकड़ के हमारे खींच ले बाहर को. ओ वाओ ये बाहर का रास्ता है, ये खुलेगा क्या? ओके ये खुल चुका है, मैं यानी अभी वापस जा सकता हूँ अपना रॉकेट लॉन्चर लेने. ये नहीं खुलेगा शायद, इसके अंदर ही कौन सा डोर है. ठीक है नहीं, इसके अंदर आयरन की लगनी है, मैं 100% श्योर हूँ ये खुल जाएगा. एंड मैं बाहर आ चुका हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना. बट यार ऐसा ना हो कि हाइजेनबर्ग हमें पकड़ कर ले है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, उसने हमें बुलाया है. फ्लास्क हमें चारों मिल गए हैं, यानी हम लोग रोज को शायद वापस से जिंदा कर सकते हैं. बट ऐसे नहीं यार, उसकी बात मेरे को माननी पड़ेगी. मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ बट मुझे अभी कोई है भाई उधर. मैं हीलिंग्स क्राफ्ट करता हूँ भाई पहले, क्योंकि अभी हो रही हवा ख़राब थोड़ी सी. ठीक है हीलिंग्स पहले क्राफ्ट करते हैं. यहाँ पर मैं अपनी गेम से मारता हूँ, लेट्स गो. वैसे यार देखो हीलिंग्स वगैरह ना क्राफ्ट करने की मेरे को जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने कर लिया है क्योंकि अभी देखो वैसे भी मैं ड्यूक के पास ना एक बार वापस जाने वाला हूँ. मुझे अपनी वो पुरानी वाली गन ढूंढनी है. यहीं कहीं पर कोई घर था जिसके अंदर मैं उस गन को भूल गया था. एंड प्लीज़ वो घर मुझे वापस मिल जाए यार, वो गन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर. रॉकेट लॉन्चर
मैं इतने सारे मॉन्स्टर से बिना उसके लड़े जा रहा हूँ एंड आई थिंक यही है वो घर। गेट खुला, ये री भाई वो, ये देख रहे हो इस गन के लिए कितनी कितनी तपस्या, तपस्या तो नहीं करी बट हाँ यार जो भी हो मेरे को वापस मिल चुकी है। तो गाइस देखो भी फिलहाल मुझे ये गन तो मिल चुकी है बट इन्वेंटरी का स्पेस खाली करने के लिए मैंने 2-3 आइटम ना यहाँ से बाहर रख दिया है। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये गन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइटम तो वो बाद में भी मिलते रहेंगे। वैसे कोई ज्यादा खास चीज नहीं थी और अभी ना मुझे जाना है यहाँ से सीधा ऑल्टर के लिए। एंड जहाँ तक मुझे याद है एल्ट जो था उसका रास्ता सीधा जाके या फिर वो टनल से भी रास्ता जाता है, मुझे देखना पड़ेगा। पहले वहीं पर चलते हैं, वहाँ पर जो दूसरा रास्ता था ना, क्या पता हम लोग वहाँ से आगे जा पाएँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस जगह से बाहर आ गया हूँ। यार एक बार ही ना मैं पहले चेक कर लेता हूँ ऑल्टर का जो रास्ता है वो कहाँ पर है। ठीक है मुझे यहाँ से एकदम सीधा ही जाना है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मेरे को रास्ते भैया याद हो गए हैं। ठीक है अभी यहाँ से सीधा जाना है एंड हम लोग वहीं पर पहुँच जाएंगे। ये गन को भी इक्विप नहीं करते हैं, अभी बाद में यूज़ करेंगे भाई। अभी हो चुका हूँ मैं थोड़ा सा डेंजरस, महंगी महंगी गन्स मेरे पास आ चुकी है। ड्यूक हेलो व्हाट्सअप ब्रो, भाई साहब धूप में बैठा हुआ बेचारा, गेट बंद करके अंदर हो जाओ मोटे भाई। यहाँ पर चलो यार अभी मैं दोनों फ्लास्क लाता हूँ, ये रहा टॉर्सो फ्लास्क जहाँ पर रोज के कपड़ों का है शायद ये, एंड अभी तीसरा वाला भी जो लॉक है वो खुल चुका है। एंड यहाँ पर मुझे लगाना है फोर्थ फ्लास्क आम फ्लास्क, इसमें रोज के हाथ है। एंड अभी मेरे को देख रहे हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे, बहुत डेंजरस सा कुछ। वाओ मेरे को कुछ मैं सोच रहा था रोज जिंदा हो जाएगी बट कुछ हो रहा है, आग चल रही है यहाँ पे पूरे में। हाइजेनबर्ग आने वाला है शायद से, हाइजेनबर्ग आ जा। फाइन हाइजेनबर्ग, ओके सामने वाला गेट ऑटोमेटिकली खुल गया है भाई। वहां पर यार एक पीछे रास्ता था, वो जो लेटर्स थी ना उसके नीचे एक रास्ता था, मुझे वहां पीछे जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई इंपॉर्टेंट चीज हो। बहुत तेज हवाएं चलने लग गई है और थोड़ा बहुत डर भी बढ़ता जा रहा है पता नहीं क्यों। भूकंप आ रहा है भाई, अर्थक्वेक आया, लिटरली भी पूरा अर्थक्वेक आया यहाँ पे। हल जमीन उतनी नहीं हिली बट लगा कि हाँ अर्थक्वेक आया है। मैं वापस सही जा रहा हूँ ना यार हाइजेनबर्ग के पास, यहीं से जाना है कि मैं उल्टा आ रहा हूँ? नहीं जहाँ तक मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। सामने एक गेट है, यहाँ से तो मैं ऑलरेडी एक बार ही आ चुका हूँ ना। अच्छा वो सामान मुझे यहाँ पे लाके लगाना है जो मैंने वहाँ से चारों फ्लास्क जोड़ के बनाया है। ठीक है भाई ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है यार एंशियंट चीज़ें। ओके इसको मैंने दूसरे एल्टर पे मूव कर दिया है। कुछ हो रहा कोई मॉन्स्टर, वाओ भाई साहब ये क्या है, हाइजेनबर्ग के कासल का रास्ता कुछ इस तरीके से खुला है भाई, ये क्या है यार। ओ मैं नीचे कहाँ, मेरे को तो वहाँ, अरे यार ये क्या है, मुझे लग रहा था कि मुझे उस रास्ते पे जाना है पर अभी तो मैं नीचे जा रहा। ओ तेरे ऊपर का रास्ता भी बंद हो गया, ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। हेलो ये लिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा ही गहरी, यार मुझे ड्यूक से सामान तो खरीदने देते एटलीस्ट, मेरे को लैंड माइंस वगैरह बहुत कुछ खरीदना था और उसे कुछ बेचना भी था, मेरे पास इतना सारा आइटम है यार, मेरे को ड्यूक से तो मिलवा देते भाई प्लीज। Don't worry about the kid even. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Okay. इस टाइम पे गाइस हम लोग आ चुके हैं हाइजेनबर्ग की फैक्ट्री पे। ये हाइजेनबर्ग इतना बावड़ी पूछा, एक बार बता तो देता कि ड्यूक व्यूक से सामान ले लो फिर आना, क्योंकि वो डायरेक्ट नीचे जाएगी। मुझे लग रहा था यार मैं ड्यूक से सामान ले लूंगा बाद में। क्या यार मेरे साथ ऐसा क्या होता है। Ethan, आ रहा हूँ मैं तेरा भूत बनाऊंगा रुक जा अभी। ये डोना की तरह नहीं है जिसको हम लोग गला दबा के मार देंगे, ये थोड़ा डेंजरस लग रहा है। ओ भाई ये थोड़ा मॉडर्न मॉन्स्टर है यार। स्पीकर वगैरह लगा रखे हैं। ओ भाई शॉटगन हाथ में लेनी चाहिए इस सिचुएशन में तो। हाइजन यार देख तू शॉटगन ऑर्डन की एमओ दियो, तेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है। ओके आई थिंक ये टॉर्चर रूम लग रहा है मेरे को इसका। नीचे जाना चाहिए मेरे को पहले तो, यहाँ से लेफ्ट चलते हैं, यहाँ पर राइट में भी एक रास्ता है, देख लेते हैं यार क्या पता कुछ एमओ वगैरह ही मिल जाए। बट नहीं अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है भाई, अब गन एमओ की कमी पड़ेगी और मैं मरूंगा इन मॉन्स्टर्स के हाथों, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिलहाल यहाँ से मुझे मिला है केमिकल फ्लूइड, ठीक है एटलीस्ट हीलिंग तो मैं बना लूँगा। मेरे पास इतना सारा सामान था ना कि मैं ड्यूक को बेच के बहुत सारा पैसा कमा सकता था, मतलब कमा नहीं सकता था और ट्रेड कर सकता था एक तरीके से। यहाँ पर भाई ये प्योर टॉर्चर रूम लग रहा है यार, मतलब है तो कुछ अलग चीज़ ही बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कहीं कहीं जैसे ब्लड पड़ा हो। ये रूम में कुछ तो है, कहीं तो जाने का रास्ता होगा जो कि हमें दिख रहा। ओ यहाँ यहाँ कुछ है,
एग्जामिन करते हैं, कोई भूत नहीं प्लीज। ओके मदर मिरांडा की फोटो। मिया ट्रूथ हर्ट्स डोंट। यार ये बिल्कुल आरडीआर का कैरेक्टर लग रहा है। टेक मी आउट लाइक द अदर्स एंड देन ही गेट्स गो एंड सेव रोज राइट। आई एम हीलिंग माय डॉटर। आर्थर मॉर्गन लग रहा है मेरे को ये। यू गॉट द सोल रॉन्ग। ये क्या है भाई? कोई शट योर फकिंग होल। सॉरी अबाउट दैट। अबे सॉरी कह रहा है भाई। कोई बहुत डेंजरस मॉन्स्टर है नीचे। कोई गाड़ी या कोई मॉन्स्टर है बट इसने चुप होने के लिए बोला तो बंदे ये कोई बात सुनते हैं पहले। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू थिंक दिस इज अ गेम? आई सेड शिट। ओके लेडी सुपर साइज बिच। ओके साइकिल डॉल एंड एमोनिक फ्रीक। आयरन कंट्रोल कर सकता है यार ये कैसे भी। डोंट यू गेट इट? इट्स अ टेस्ट टू सी इफ यू आर स्ट्रांग एनफ टू बी अ पार्ट ऑफ मिरांडास फैमिली। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मिरांडास फैमिली। नीदर डिड आई बट हियर वी आर एंड आई एम नेक्स्ट इन लाइन राइट। किल मी मूव अप द चेन। वेल फक दैट। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट योर पर्सनल इश्यूज। I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. क्या हो रहा है नीचे? Freak, I swear to God. कौन है? यार हाइजेनबर्ग बहुत डेंजरस लग रहा है भाई अब तो। You and me, Ethan. ये साथ कह रहा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। And we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you. यार ये क्या बंदा है यार? अब गुस्सा चढ़ेगा तो। अबे तेरी। Last chance. Oh, bye. Find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Oh, bhai, वो monster के पास ही भेज दिया मेरे को जो नीचे था। कौन है भाई? आराम से। कोई इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर है क्या वो भाई? सही में वो भाई ये हेलीकॉप्टर है क्या यार? ये क्या फिल्म है? एक मिनट। ओ सामने भी बंद हो गया। जल्दी 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 जल्दी। आई थिंक अभी वो नहीं आ पाएगा बट मुझे यहां से तेज ही निकलना पड़ेगा। बैठ के बैठ के बैठ के भाई साहब ये कह रहा है हाइजेनबर्ग कह रहा है कि तुम खुल जा। ओ यहाँ से ठीक है। हाँ तो हाइजेनबर्ग कह रहा है कि तुम अपनी बेटी को मदर मिरांडा जो करना चाहते हो कोई एक पता नहीं यार क्या सीन है। मुझे तो लग रहा था अपनी बेटी को जिंदा करना चाहते हैं बट ये लोग उसे एक बहुत खतरनाक टाइप का वेपन बनाना चाहते हैं उसका यूज करके। पता नहीं यार कैसे ही करेंगे जादू टोने वाले लोग है भाई ये। भाई ये मैं कहा इसके जंक यार्ड में आ गया क्या मैं? ये पूरा एकदम स्क्रैप ही स्क्रैप भरा पड़ा है चारों तरफ। सारा रबिश आइटम है भाई ये। एंड अभी मैं किसी बहुत ज़्यादा यार लेकिन हाइजेनबर्ग ना बहुत उसने ये सब यहाँ पर इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर कल को उसे दिक्कत होगी ना तो भाई मुझे तो लग रहा है ये जितना भी लोहे का कबाड़ है ना ये मेरे को उठा के मारेगा भाई इसी से। भाई वो सारा आयरन ऐसे कंट्रोल कर लेता है। कोई मैग्नेटिक पावर है उसके पास तो मैग्नेट का तोड़ क्या होता है वो शायद हमें ढूंढना पड़ेगा। वो बे तेरी गंजे ये गंजे थोड़े अलग है भाई। ये आंखों में वीआर लगा के आए हैं। इनका पहले वीआर उतारो। वीआर उतार बे तू भी उतार। ओ ओ भाई इनके पास हथियार। रुक जाओ चाचा रुक जाओ मैं ग्रेनेड लॉन्चर टेस्ट कर दूंगा तुम्हारे ऊपर ही। पीछे हो जाओ इसलिए प्यार से ठीक है ना। वैसे गाइस मेरे को लास्ट टाइम एक मैग्नम वाली पिस्टल मिली थी तो वो पिस्टल इतनी ज्यादा वो 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 पीछे भाई भाई ये भाई यार पीछे होते ही ऐसे की तैसे अब तेरा दूंगा शॉटगन। निकल यहाँ से। वो बगल में बचा हुआ है ठीक है ये नहीं मरा। रुक जा रीलोड करके ना अभी तेरे गंजे खोपड़ी खोलता हूँ। पीछे पीछे ठीक है ना आगे आने की जरूरत नहीं है। वैसे हाँ गाइस अभी मेरे पास ये जो स्नाइपर है ना ये बहुत ज़्यादा बेस्ट वेपन है इस गेम का। एक बुलेट में बंदा डाउन कर सकती है। एंड मेरे पास इसकी अच्छी खासी एमो भी है तो मैं इसे दबा के यूज़ करूँगा। एंड इन्वेंट्री में स्पेस खत्म हो चुका है शॉटगन एमो का। क्या करे देखो यार मेरे पास अभी शॉटगन की 3 एमो है। अगर मैं इसको यूज़ कर दूँ रुक जाओ यार खाली पीली यूज़ करने का मेरा मन नहीं कर रहा।
और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं यहाँ से वापस यहाँ पे वापस आ पाऊँगा या फिर नहीं। चलते हैं अंदर, छोड़ो। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 3 एमो यूज़ करके वाली मैगजीन ख़त्म कर दूँ और फिर उसे उठा लूँ। ट्राई करते हैं कुछ यूज़ करने का। क्या ये पिस्टल को मैं फेंक सकता हूँ? अभी मेरे किसी भी काम की नहीं है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपनी इन्वेंट्री में ज़्यादा स्पेस नहीं है और कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसे मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर अपना कभी वापस यहाँ पे आना हुआ तो मैं इसको आके उठा लूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, 3-4 शॉटगन का एमो है, वही अपने काम आ जाएगा आगे। और मे भी आगे चलकर हमें और भी सामान मिल जाए। ये कहाँ आ चुका हूँ मैं यार? हाइजेनबर्ग इतनी तगड़ी फैक्ट्री बनाकर बैठा हुआ है यार, वो भी अंडरग्राउंड। भाई साहब, मतलब इतनी ज्यादा नीचे। अबे ड्यूक मोटे, मैं देर को लेके इतना परेशान हो रहा हूँ। हेलो, अभी गाइस इससे सामान खरीदते हैं यार। ये कहीं पर भी पहुंच जाता है, या तो तुम 6-7 जुड़वा भाई हो या तो एक ही बंदा बावड़ी पूछता जो हर जगह पहुंच जाता है पता नहीं कैसे। फिलहाल हाँ, सबसे पहले ना मैं इसे अपना सामान बेचता हूँ जो कि जितना भी मैंने कलेक्ट करा अभी तक। ये देखो इतना सारा पैसा हो जाएगा ना मेरे पास, गिनती नहीं होगी, लाख तो ऐसी पार हो जाएगा देखना अभी। ओके गाइस, तो जितना भी मेरे पास सामान था मैंने सारा बेच दिया। इस टाइम पर मेरे पास 1,02,310 ले हो चुके हैं। एंड फटाफट से ना गाइस, अभी मैं इसे सप्लाईज खरीदता हूँ और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मेरे को इससे खरीदनी है। वैसे गाइस देखो, यहाँ पर ना ये 2 SMG है, एक है 1,20,000 ली की एंड दूसरी है 1,80,000। इतना ज्यादा पैसा तो नहीं है। फिलहाल मैं थोड़ी बहुत हीलिंग्स खरीदता हूँ, स्पेस ही नहीं है वाओ। बट उससे पहले ना मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत बैग का स्पेस ले लेना चाहिए। एंड अभी मैं लेने वाला हूँ थोड़ी शॉटगन की एमो। 10 शॉटगन की एमो ले ली है, थोड़ी बहुत पिस्टल की एमो ले लेता हूँ। 30 पिस्टल की एमो मैंने ले ली है, 13 स्नाइपर के एमो, 2 लैंडमाइन भी ले लिए हैं, 5 बॉम्ब भी जरूरी है थोड़े। वैसे गाइस जो हमें लास्ट टाइम पिस्टल मिली थी ना, जिसने सिर्फ और सिर्फ 2 बुलेट में ही उस डेंजरस से वुल्फ को मार दिया था, वो 1,00,000 ली की है उसकी 6 बुलेट। भाई काफी ज्यादा महंगी नहीं है? फिलहाल हाँ, अभी मैंने सब कुछ खरीद लिया है, जल्दी से हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। भाई साहब अपनी शॉटगन पे भी काफी ज्यादा इस टाइम पे ब्लड लग चुका है, लेट्स गो। अभी मुझे यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यहाँ से जंप मार के जाना है या फिर कोई और ऑप्शन भी है? ओके, और ऑप्शन है, शायद ये वाला गेट खुल जाए। हाँ ठीक है, वाला गेट खुल चुका है। मैं फिलहाल के लिए अपने हाथ में पिस्टल ही रखता हूँ इसकी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स है एंड अगर झटके से कोई आता है तो मैं रोक सकता हूँ, भले उसे मार ना पाऊँ एक बार में, बट एटलीस्ट रोक सकता हूँ। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत गन पाउडर पड़ा है और आगे मॉन्स्टर्स हैं। सम काइंड ऑफ लॉकिंग मैकेनिज्म लुक्स इजी टू ब्रेक, तो मैं इस पर पिस्टल मार देता हूँ फिर। ठीक है, हाँ टूट गया, अभी ये खुल जाए। अरे भैया एक मिनट रुक गया, शॉटगन निकाली। हाँ भाई कौन सा फालतू बोल रहा है, आ जा भाई गंजे, चल निकल यहाँ से, तू इधर आवे, तू भी निकल यहाँ से। इसको VR बॉक्स क्यों दिया है तुम्हें पता भी है? VR बॉक्स ऐसे यार, वैसे वो VR बॉक्स नहीं, पता नहीं वो क्या चीज़ है, मैं भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, आगे चल के वो दिक्कत दे सकती है। मैक्सिमम पिस्टल एमो यूज करके मैं इनको भी मारने वाला हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है और छोटे मोटे मॉन्स्टर्स के लिए यार वही ज़्यादा सही है। थोड़ा सा और मैं आगे आ चुका हूँ। ये हाइजेनबर्ग की फैक्ट्री में इतना ज़्यादा अंधेरा है, कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा है। सामने भी कुछ खास तो मेरे को नहीं लग रहा है, नीचे कुछ अजीब सा लिफ्ट टाइप क्या हुआ है। फिलहाल हाँ, इस बटन को मैं दबाता हूँ। लुक्स लाइक देयर इज नॉट इनफ पावर, ओके इलेक्ट्रिसिटी मुझे इसे देनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ से ये चीज़ ऊपर आएगी और मुझे वहाँ पर आगे तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। मैं बुलेट्स क्यों चला रहा हूँ खाली बिली? ये वाला गेट भी नहीं खुलेगा। इलेक्ट्रिसिटी मुझे इसे देनी है तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से आगे बढ़ने का। इस तरफ में गेट है नहीं, ओके तो मुझे यहाँ से नीचे जाना है। पहले इसका जो मेन पावर सप्लाई वाला एरिया है ना, वहाँ पर पहुँच के इसका लीवर मुझे ऑन करना। और भाई कसम से मैं बिल्कुल, भाई इस बार तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने धप्पा कैसे कर रहे गंजे? सबसे ज़्यादा बेकार मॉन्स्टर है इस गेम के, ये कभी मार तो पाते नहीं। नहीं नहीं, मारते हो भाई, इसकी बेइज्जती कर, पीछे हो जा, ठीक है ना, एक तारीफ क्या होगी, फैल रहे हैं दोनों। ठीक है चलो, सामान यहाँ से मैंने इनका उठा लिया है, इसको ओपन करके देखता हूँ। मैग्नम, ओ सॉरी स्नाइपर एमो, लेट्स गो। ठीक है, यहाँ पर से शॉटगन एमो, नहीं ओ वाओ 3,000 या 30,000 ली मुझे वहाँ से मिल गए हैं। एंड इस तरफ में तो नहीं था पावर सप्लाई वाला बटन, शायद थोड़ा आगे जाकर होगा। मुझे भी मेनली उस जगह पे पहुँचना है और आई थिंक यही है एग्जामिन। यहाँ पर क्या लगने वाला है? ल्यूथर्स की, ऐसा कोई आइटम मेरे पास नहीं है जो यहाँ लगेगा, कुछ और ही यहाँ पर लगने वाला है। इट्स अ कास्टिंग मैकेनिक एंड कांट यूज इट विदाउट अ मोल्ड, कुछ मोल्ड टाइप है जो हमें ढूंढना है। ये क्या है भाई? ये रोबोट्स बनाता है मेरे को लग रहा है हाइजेनबर्ग, वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब से। फिलहाल यहाँ पर तो जोम्बी टाइप मॉन्स्टर्स ही अभी मेरे को दिख रहे हैं। ये क्या मिला मेरे को यहाँ से?
कुछ मिला ना खास? शायद कोई नॉर्मल आइटम मिला जो कि मैं ड्यूक को सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है एंड ये लॉक्ड है दूसरी साइड से, तो मुझे पहले उस साइड जाके उसे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है चलते हैं। अभी अभी लग रहा है होने वाली है, किसी से तो फाइट होने वाली है। कि गंजे यहाँ पर आ गए हैं दो तीन, इनको पहले मार देता हूँ। एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे हैं। पीछे हो इनका पहले वी आर बॉक्स छोड़ूंगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, भाई बहुत बुलेट खा रहे हैं। मैं अपनी शॉर्ट गन निकाल लेता हूँ। अब आओ, किसे चाहिए प्रसाद? लो तुम्हारी ऐसे के तैसे। तू भी इधर चले यहाँ से, इसमें थोड़ी जान बची है। ले एक दो तीन चार, वो भाई वो गंजे, तू ज़्यादा जान नहीं आ रही तेरे में भाई साहब। कूदता हुआ आ रहा है मारने के लिए कस के। ये जगह हिली बहुत जोरों की हिली। तो जगह दूसरी साइड से लॉक थी शायद, वो ये वाला गेट तो नहीं था, बट यहाँ अंदर कोई है। जिंदा नहीं है। इसके हाथ में देखो हाइजेनबर्ग गन फिट कर रहा है भाई, वो भी कोई नॉर्मल गन नहीं है, वो एक ड्रिल है भाई साहब। इसमें क्या है? कुछ तो तगड़ा मिलने वाला है। ये क्या है भाई? रिलीफ मोल्ड। ओके तो उस जगह पर यही मोल्ड लगना है। ठीक है तो चलो भाई अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। और तू जिंदा नहीं हो सकता, तू जिंदा नहीं हो सकता भाई, मैंने मजाक में मारी थी तेरे को बुलेट भाई। ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया और मरने का नाम भी नहीं ले रहा पिस्टल से। मैंने मार दिया शायद उसे। नहीं मरा भाई, उसको चक्कर आए हैं। उबे ये क्या कर रहा है भाई? हेलो, बाहर जाने का रास्ता। मेरे को इसे मारने के लिए ना गाइस अभी अपना रॉकेट, वो बाहर आ रहा है। रुक जाओ, अपना रॉकेट लॉन्चर सबसे पहले मैं अपने नाइफ के साथ रिप्लेस करता हूँ। भाई तू दूर रहे यार। भाई उसके हाथ में ड्रिल मशीन है, कोई नॉर्मल अंधा है क्या ये? तो वहाँ कहाँ जा रहा है? बावड़ी है भाई ये, काली पीली मैं इससे डर रहा हूँ भाई। ये तो गंगनम स्टाइल वाला डांस भी कर देगा अभी मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में। ओह पास नहीं। ये भाई ये नहीं मरेगा, पीछे हो जा। ग्रेनेड लॉन्चर भी खा गया। ओके पीछे, हेलो ब्रो, पागल हो गया ये तो। वो भाई शॉटगन रीलोड पूरी 6 की 6 चढ़ा दूंगा आज इसमें मैं। आ जा तेरी भैंस की कहाँ गया, वापिस कहाँ जा रहा है? निकल यहाँ से, एक और ले, रुक जा तेरे पास आके ले। एक और खाएगा ये ले। ओ भैया ये ना मर रहा, पागल है क्या भाई? अभी तो अपने पास गाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मैं वो ट्राई नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो इसके लिए कुछ ज़्यादा ही डेंजरस साबित हो जाएगा अपनी ये वाली गन। बट इसके लिए मेरे पास एमओ भी है, इसको इक्विप करते हैं। ये इससे तो भाई साहब इसकी एमओ ही नहीं है। वाओ, तो फिर अभी ना मुझे इसे ये ग्रेनेड लॉन्चर ही मारना पड़ेगा। इसकी 5 एमओ मेरे पास है और अभी एक मुझे इसके बजानी पड़ेगी। ब्रो ऐसा क्यों कर रहा है तू, क्यों कर रहा है? गया ना अभी भाई, लो फट गया। यहाँ से कौन सा क्रिस्टल? मैकेनिकल हार्ट। ओके ये था कुछ डेंजरस। अब आ रहा है थोड़ा सा मजा गेम में। क्राफ्ट एमओ ओपन। यहाँ क्या लगना है? कोई बटन है। लुक्स लाइक देयर इज नॉट इनफ पावर। ओके मुझे लग रहा है भाई मेरे को पहले ना वो मॉल्ड जो मेरे को मिला है वो वहाँ पे ले जाके लगाना है, उसके बाद ही काफ़ी मैं कहीं ऐसी जगह का मुझे एक्सेस मिलेगा जहाँ पर इससे मैं पावर सप्लाई ऑन कर पाऊँ। ठीक है फिलहाल मुझे वो जो चीज़ मिली थी वो मोल्ड ये रहा, रिलीफ मोल्ड। ठीक है वो यहाँ पे लग चुका है, बंद हुआ, नीचे गया, कुछ तो खुला है सामने, लावा है। ये तो लावा आया, अच्छा ये इसमें लावा भरेगा और ये चीज़ हमें पिस के मिलेगी। एंड आई थिंक ये चिल्ड कोई गैस आई है, रिलीफ होर्स। ये कहाँ लगना है वैसे? सीम्स यूजफुल। हाँ यूज़फुल तो है ब्रो, बट लगना कहाँ पे है कोई आइडिया ही नहीं है। इधर का गेट मैंने उधर से खोला नहीं था ना, अच्छा रास्ता ही नहीं जा रहा, मैं उधर गया ही नहीं तो गेट कहाँ से खोलूँगा। बट ये जो यूज़फुल आइटम मुझे मिला है इसको मुझे कहाँ लगाना है? यहाँ थोड़ी लगेगा दोबारा से। ठीक है तो मुझे ना अभी पहले आगे बढ़ना चाहिए, शायद मुझे पीछे जाकर कुछ इधर उधर और ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ वाली सीढ़ियों से उतर कर नीचे आया था, इस तरफ में एक रास्ता और जा रहा है जो कि वापस घूम के इधर ही आ गया। ठीक है ऊपर चल के देखते हैं कहाँ को मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर तो मेरे को नॉर्मली इलेक्ट्रिक पावर देनी है, बट यहाँ भी कुछ खास नहीं है वैसे गाइस। देखो जहाँ तक मुझे पता है मुझे यहाँ से आगे ही बढ़ना है, पीछे तो नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे को ही जाता हूँ। हाँ तो गाइस देखो अभी मुझे क्या चीज़ नज़र आई, पहले हमने नोटिस नहीं करी थी बट इस मोल्ड की शेप देख के भी मुझे मालूम पड़ गया कि ये यहीं पर लगने वाला है। तो ये रहा रिलीफ ऑफ अ होर्स। ओके तो इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं
एंड ये मेरे को लग रहा था कि दोबारा से कोई लिफ्ट आ गई और मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है आगे जाने का रास्ता मिला है। सिर्फ एक पावर सप्लाई ऑन करनी है, कोई है? कोई है भाई? गंजे तू पागल है क्या यार? है गंजे बिल्कुल एकदम सनकी। इधर आ तेरी, निकल यहाँ से, वो पीछे 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 तो देखो, निकले यहाँ से, निकल निकल गया भाई। बड़े डेंजरस वेपन लेके घूम रहे हैं तो अलग से। मुझे अपनी शॉटगन अभी निकाल लेनी चाहिए, एंड इसकी इसके लिए मेरे पास एमो भी नहीं है। मैं अपनी एमो थोड़ी बहुत क्राफ्ट करता हूँ, मेरे को शॉटगन की एमो क्राफ्ट करनी है। वाह मेरे पास ज़्यादा गन पाउडर ही नहीं था, सिर्फ शॉटगन की एमो क्राफ्ट हो पाई है, पर ठीक है चलेगा। आगे या तो वो मशीन है या फिर कोई मॉन्स्टर है डेंजरस सा। यहाँ पे मुझे कोई की लगानी है, सिक्स स्विंग नहीं, यहाँ पर कोई हॉर्स से रिलेटेड ही की लगने वाली है। मैं ट्राई भी नहीं करूँगा, मतलब बाद में ट्राई करूँगा, बट यहाँ ओके लॉक पिक लॉक पिक लॉक पिक, ठीक है। क्या पता है इसके अंदर से मुझे वो की मिल जाए प्लीज़। ओके मैग्नम एमो भाई, अपनी सबसे डेंजरस वेपन ये सबसे। पता नहीं इस पिस्टल में ऐसा क्या है बट ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है ना, मतलब बंदा हैरान हो जाए। फिलहाल इसको मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ इसे, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड में है। सारी गन्स मैं रीलोड कर लेता हूँ एंड यहाँ से हम लोग चलते हैं नीचे। शॉट गन निकाल के रखता हूँ। इस तरफ में भी कुछ लेडर्स जा रही है, यहाँ से भी मैं नीचे को जंप मारता हूँ। इस तरफ में एक बॉक्स है, क्या पता इसके लिए। इससे मुझे पिस्टल एमो, ये क्या मिला मेरे को? अच्छा ली मिले यार, ये तो नॉर्मल चीज़ है। आगे बढ़ने में कुछ धीरे धीरे एक पावर सप्लाई। यार तू मॉन्स्टर मत बन जाइयो, ठीक है? ये काटेगी क्या मेरे को? अच्छा ये मशीन मेरे को काटने के लिए बनाई है, लेको मैं निकल जाऊँगा। ये बावड़ी पूछ चीज़ें ना बचपन में करके छोड़ चुके हैं, ठीक है? तू तो नहीं आगे आती ना, पता चला। अच्छा मेरे को उधर जाना ही नहीं है, मेरे को इधर जाना है, ठीक है आराम से नीचे। अच्छा 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 ठीक है। नहीं 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 आई बच गया। ओ तेरी, तुम्हें भी चैन नहीं है, इसको काटो ना मशीन। यार इसको काटो, एक सेकेंड यार, तुम्हारा इलाज ना ये। वाह 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 वाह, निकल यहाँ से पीछे, तू भी निकल भाई। रॉकेट लॉन्चर नहीं, मैं खुद मर जाऊँगा इतनी क्लोज मारूंगा तो। रुक जाओ भाई, वो बे भाई साहब, निकल यहाँ से। मैं गया भाई, पिस्टल में भी एमो नहीं है, और ये मैं कैसे चला रहा हूँ? वो फंसा दिया भाई इन्होंने। अगल बगल इतनी डेंजरस मशीन है, आगे पीछे भी नहीं जा सकता, और इन्होंने और खून पिया हुआ है भाई। रुक जाओ, हीलिंग्स वगैरह क्राफ्ट हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आगे बढ़ूँगा। ओके पच गया पच गया पच गया, ये वाला डेंजरस लग रहा है कुछ। सामने मॉन्स्टर है, इतनी डेंजरस मशीनों से भी निकलना है। भागो भाई भागो 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 भागो, बच गया। ओ पीछे हो जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ यार, ये रीलोड हमेशा स्नाइपर ऐसी करती है। रुक जाओ, पहले तू निकल। ओपे मैं क्या कर रहा हूँ ये भाई, मेरी भी हेल्थ गई है यार। मुंह के आगे रॉकेट लॉन्च ग्रेनेड लॉन्चर मार दिया भाई, वो भी मॉन्स्टर कह रहा होगा। ओ तेरी, बार बार मेरे से ना नाइफ की जगह, पागल है ये, रुक जाओ इसका मुंह तोड़ता हूँ। हवा निकल यहाँ से, दिमाग ख़राब कर रहा है। एक तो मेरे से ना नाइफ की जगह गलती से वो रॉकेट लॉन्चर चल गया, मैं सोच रहा था इतना ज़्यादा पास आ गया है, मुझे अभी नाइफ मारना चाहिए। पहले यहाँ से निकलता हूँ, बातें बाद में, ठीक है अभी मैं शायद दो सेकंड के लिए तो सेफ हूँ एटलीस्ट। इसको रीलोड कर लेता हूँ, सोच समझ के चलाना है इसे, बेमतलब नहीं फायर कर देना। शॉटगन में एमो नहीं है, पिस्टल में एमो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। जब तक के लिए पिस्टल की जगह नाइफ इक्विप कर लेता हूँ, बाद में हम लोग आगे देखते रहेंगे। फिलहाल यहाँ से पहले हम लोग चलते हैं ऊपर को, काफ़ी डेंजरस माहौल है भाई हाइजनबर्ग की इस सीक्रेट फैक्ट्री में। वैसे फैक्ट्री सीक्रेट नहीं है, ये फैक्ट्री हॉरर सीक्रेट है। ओके खुल चुका है ये, यहाँ से हमें एक थोड़ा सा वेंट मिल गई है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, चाकू मारूंगा जो भी पास आएगा, तो प्लीज़ मेरे पास मत आना। यहाँ पर अंदर कुछ तो है इम्पोर्टेंट शायद, बट हाँ इसके अंदर गन पाउडर पड़ा हुआ है क्या बहुत सारा? ऐसा लगा मुझे कि जैसे बहुत सारा एक दो स्टैक गन पाउडर पड़ा हो। यार ये माइनक्राफ्ट वाली लैंग्वेज कहाँ से आ गई, एक दो स्टैक। ओह अनलॉक, ठीक है ये तो नॉर्मली अनलॉक हो जाएगा। ओके मैं वापस से गाइस उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ से हम लोग आगे गए थे, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉर्टकट अभी खुल चुका है। एंड आई थिंक मुझे इधर पाइप बॉम्ब फेंकना चाहिए अपना, ये अभी नहीं काम आएगा तो कब काम आएगा? ये लो पाइप बॉम्ब फेंका, गेट दीवार टूटेगी, टूट गई, ठीक है अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राइट कुछ है यहाँ? ओ वाओ कुछ है कुछ है कुछ है, मैकेनिकल पार्ट सिलेंडर, ठीक है। मुझे जहाँ तक कहना है एक की इकट्ठी करनी है बस, मीन्स एक की ढूंढने के लिए हम लोग इतना ज़्यादा घूम रहे हैं, और मेनली पावर सप्लाई ऑन करने के लिए। मिल गई मिल गई मिल गई। ओके तो वो जो चीज़ अभी हमें मिली है ना, इट्स मिसिंग कॉग, COG कॉग क्या होता है यार?
कॉग तो मुझे रियली में नहीं मालूम क्या होता है, देखा तो होगा बट शायद मुझे उसका इंग्लिश नेम नहीं मालूम था, हिंदी में तो होगा, अभी मिलेगा ना आइटम तो याद आ जाएगा ये क्या होता है सी ओ जी कॉग, पता नहीं कॉग है सॉग है, वैसे जहाँ तक सी ओ जी कॉग ही होगा। यहाँ से नीचे उतरते हैं, कुछ भी मेरे को इधर खास मिल नहीं रहा है यार, एक सिंपल पावर सप्लाई ऑन करने के लिए इतना झमेला क्यों हो रहा है भाई, प्लीज़ ऐसा मत हो यार। ये वाला गेट भी नहीं खुलेगा, मेरे को घूम के ही आना पड़ेगा। ठीक है आगे से आते घूम के, लेट्स गो, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। शॉटगन मेरी रीलोड है ना, हाँ टोटल 9 बुलेट्स हैं मेरे पास। ओके मैं इसको तोड़ सकता हूँ, नाइफ से तोड़ेंगे, नाइफ से यार, रॉकेट लॉन्चर नहीं इतनी सी बात के लिए, ये तोड़ दिया है मैंने। ठीक है खुल जा अब, अच्छा नीचे भी एक और है, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ अब खुले, अब खुलेगा ना ये। ओके मैं आया तो हूँ किसी सीक्रेट जगह पे तो आया हूँ, पीछे से हाइजेनबर्ग धप्पा मत करियो। मुझे एक और सी ओ जी मॉल्ड मिल चुका है एंड आई थिंक मुझे इसको भी वो जो दूसरा वाला मतलब वहाँ पर है ना उसके अंदर डाल के इसको ठीक करना है, और इसमें से क्या मिलने वाला है, बट ऐसा तो नहीं कि कहीं इसमें यहाँ कुछ है, फैक्ट्री मैप। ओके अभी हमें फैक्ट्री मैप मिल चुका है, हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें कैसे पहुँचना है, सीधा शॉर्टकट उसके रास्ते। अगर अभी इस जगह का मुझे मैप मिला है ना तो गाइस आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाली जो जगह है कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, तभी गेम वालों ने हमें स्पेशली इस जगह का मैप दिया है। ब्रो पता है ना यार तेरे को फिर कितना गंदा कूटा मैंने अभी तेरे भाई को, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी एमो वेस्ट करने का ना कोई शौक नहीं लगा यहाँ पर, अपनी भाड़ में जाए वो यहाँ से आ ही नहीं पाएगा, वो इतना चूरन है। और ये कुछ नई जगह है, मैं यहीं से तो गया था ना अभी, आगे आगे कोई रास्ता है तो मैं कोशिश करता हूँ जाने की, है रास्ता है रास्ता है, पागल है क्या बे, बे ये तो पागल है, रुक जाओ अंदर तो नहीं आएगा ना तू, रुक जा तेरी ऐसे की तैसे करता हूँ, रुक अभी रुक जाओ, पाइप बम डालेंगे इसके ऊपर, एक ही डालूंगा ज़्यादा फालतू नहीं आ रहे मेरे पास पाइप बम। वह कहाँ गया, वह पीछे आ गया वो पता नहीं कैसे, रुक जाओ एक पाइप बम और बचा तेरी भैंस की, ले इसे सूंग उसे पाइप बम को थोड़ा, और ये ले एक अपनी, ये निकालता हूँ मैं अपना रॉकेट लॉन्चर, ये भी ले, इसको रीलोड करके एक और मारूंगा तेरी ऐसे की तैसे करता, ये भी ले, स्नाइपर भी लेना, स्नाइपर भी ले, हाँ नहीं तो माँ खराब कर रहा है वो, फूट गया भाई मरने के बाद तो ये खुद ही फूट जाता है। वैसे यहाँ पर इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, उम्मीद है आप लोगों से भी आगे चल के मेरी लड़ाई होगी, अभी फ़िलहाल तुम्हारे एक भाई को मैंने मार दिया है, सॉरी उसके लिए, और मैं घूम के वापस आ चुका हूँ उस जगह पे। ठीक है अभी मुझे थोड़ा बहुत मैप खुद से भी याद हो चुका है, एंड मुझे यहाँ पर लगाने हैं मॉल्ड, मॉल्ड कहाँ था, ये रहा सी ओ जी मॉल्ड, इसको यहाँ पर लगाते हैं। एंड इस बारी कुछ अमेजिंग, इसके अंदर क्या होता है ना, ये एक टाइप से लोहे का मटेरियल है, फिर इसके अंदर से ऐसे लावा गिरता है, मतलब ऐसा हर आयरन फैक्ट्री में होता होगा, मतलब हर जहाँ पर भी मेटल होता है उन सब में ऐसी लावा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे वो लावा नहीं है कोई मेटल ही है जैसे पिघला के ऐसे डाल रहे हैं। ये देखो ये मेरे को मिल चुका है लार्ज सी ओ जी कॉग, ठीक है ये कहाँ पे यूज़ करना है मुझे नहीं मालूम, आगे चलते हैं, मुझे जो नया वाला रास्ता दिखा था वहीं पे चलता हूँ मैं, शायद वो यहीं पर ही, हाँ इसमें था ना की लगनी है ना यहाँ पर, तो क्रैंक लार्ज कॉग नहीं यूज़ होगा यहाँ पे। वैसे गाइस देखो अंदर इस वाले रूम में कुछ ना कुछ तो वहाँ खास पड़ा हुआ है। ओके अबे यार मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, कॉग तो हमें वहाँ पर लगाना था ना गाइस, जो दूसरी वाली हमें जगह मिली थी, और मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ भाई प्लीज़, मैं कूद के नीचे आ गया हूँ अभी, मुझे यहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर चढ़ने की ना कोई भी लेडर्स यहाँ पर नहीं है, भागो भागो भागो। ओके आगे से घूम के जाना है मुझे, 3 2 1 भागो, ओ तेरी भैंस की, भागो 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 भैया, यहाँ पर भी एक बॉक्स है जो मैंने मिस कर दिया था, इसे भी ले लेता हूँ लगे हाथ। तो ठीक है गाइस अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा इजीली भागता भागता यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, बस इस वाले को मुझे और पार करना है, एंड अभी हम लोग वापस से उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां पर से हमें ये मेनली पावर सप्लाई को ऑन करना है, बस अपना काम हो जाएगा। और अच्छी बात तो है कि बीच रास्ते में मुझे कोई मॉन्स्टर भी नहीं मिला, मैं यहां से आया था मुझे बस ना यहां से पीछे को जाना था, यार मैं पूरा भटक चुका हूँ। हाँ तो ठीक है गाइस मुझे बस ना यहाँ से हल्का सा आगे बढ़ना था, एंड यहाँ पर मुझे वो जो कॉग मेरे को मिला है ना वो इस तरीके से लगाना था। ठीक है अभी ये लगा कर इसको यहाँ से कर दिया है ऑन, और अभी सामने अरे इलेक्ट्रिसिटी तो ऑन हो गई, लाइट भी पूरे में आ चुकी है, बट सायरन का मुझे नहीं मालूम था यार सायरन क्यों बज रहा है, कोई दिक्कत होगी क्या? Such a disappointment. Oh, ये गेट भी बंद हो गया। I thought we could join forces against that bitch Miranda. Oh, मुझे लग रहा था ये चारों उसकी इज्जत करते हैं। आगे कुछ करना बोला नहीं कुछ, अच्छा मेरे को यहाँ से नीचे जाना है, मैं वेट कर took us to be her children.
Okay. She locked us away in the village. Dick, you were forced to serve her. अरे भाई ये अपनी कहानी बता रहा है, सामने लगा रखा है बावड़ी सा। अरे इसको समझ ही ना आ रही भाई, हिंदी नहीं आती तो भाई बता दे इंग्लिश में बताऊं तेरे को मैं। भाई साहब मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार ये तो, तेरी सब तोड़ भी रहा है। मैं मार दूंगा भाई, मैं मार दूंगा, बहुत गंदा बंदा हूँ। गया गया भाई, मर जा यार। ये हाइजेनबर्ग के यार नॉर्मल मॉन्स्टर इतने ज्यादा डेंजरस हैं, तो फिर असली वाले कैसे होंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ। अबे हाइजेन में तेरा भूत बनाऊंगा, तो रुक जा बस दो मिनट। गया ये, बचा है क्या? एक और लेना फिर, बता दिया कर बचा है तो। ये यार एमो खराब करने वाला मॉन्स्टर है, इससे मैं नहीं लड़ रहा, बट इससे जो सामान मिलेगा उससे मेरे को एमओ भी तो मिल ही जाएगी ना, तो लड़ सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ता हूँ भाई, बट मैं इससे बाद में ही लड़ूंगा। ये खाली पीले में ना पूरी एमओ ख़राब करा रहा है, मैं इसको पिस्टल भी नहीं मारना चाहता हूँ। इसकी यार ये तो बड़े सारे हैं यार, 500-600 रॉकेट लॉन्चर की बुलेट लेकर आनी पड़ेगी इन सबसे भिड़ने के लिए। मेरे पास अभी एक भी नहीं है। इसके अंदर मैं ये फ्लैश बैंक डाल सकता हूँ क्या? इसे एग्जामिन करके देखते हैं। नहीं, ओके। अभी यहाँ पर मैंने दूसरी बुलेट से इसके अंदर लगा दिया है। अभी तक शायद से मैं फ्लैश बैंक मार रहा था, बट अभी मैंने इसके अंदर जो लगाया वो एक्सप्लोजिव वाला एमो लगाया। वाओ यार, मैं भी क्या कर रहा था इतनी देर से। चलो कोई नहीं, यहाँ से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, इन सबको मारता चलूंगा। पर अभी मुझे यहाँ से फ्लैश बैंक की दो एमो और मिल गए। नहीं, जो मैं पहले मार रहा था वो एक्सप्लोजिव ही था, ये फ्लैश बैंक है। ये अगर मैं इसे मारूंगा तो शायद ये अंधे हो जाएंगे। यार मुझे रहने से कम ही चेप होना चाहिए, ये कुछ तो है जिससे कि इसे डैमेज। मैं ट्राई करूँ, देखो गाइस ये ना सारे के सारे एक तरीके से मेटल के मटेरियल है, और अगर इन्हें करंट लगेगा तो हो सकता है या तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही पावर आ जाए या फिर एक खराब हो जाए। तेरी गया वो, अंधा हो गया। साइड से निकल लेता हूँ मैं आगे। कहाँ जाना है? अबे मैं तो घूम के नीचे आ गया यार, मेरा फ्लैश बैंक भी खराब हो गया यार, मुझे आगे जाना है। हाँ ठीक है, यहाँ से जाना था, मैं खाली पीली ऊपर जा रहा था, लेकिन ये रास्ता जा कहाँ रहा है? मैं यहीं से तो आ रहा हूँ ना यार, ये कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इधर, पता नहीं यार क्या ही सीन है। फिलहाल जो भी हो, स्नाइपर राइफल का मेरे को थोड़ा बहुत एमो मिल चुका है, और इन मॉन्स्टर्स पे स्नाइपर वगैरह कुछ नहीं कर पाती, वो अब मेरे को मारने के लिए आ रहा है, और मुझे अभी इससे भिड़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जा बेटा भिड़ ले। आज गाइस मैं कर ही लेता हूँ इससे वन ऑन वन, अभी देखते हैं भाई कौन किसको मारता है। अरे भाई ये डरा रहा है बस, लेकिन इसको मारूंगा तो मैं, मुझे भी फ्लैश बैंक निकालना पड़ेगा और रीलोड करके इन दोनों के बचाना पड़ेगा। वो वे भाई साहब पूरी ड्रिल मशीन मार दी, हीलिंग। मैं यहीं चला दूंगा ये फ्लैश बैंक, दोनों मर जाओगे तो मेरे को भी करना पड़ेगा गाइस यही, पर नहीं दोनों मेरे को मार डालेंगे। ठीक है रुक जाओ, लैंड माइन निकालो भाई, दोनों ने गंदा घेर लिया मेरे को कि लैंड माइन निकाल के मैं यहाँ रख देता हूँ, और अभी मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, एक और रख देता हूँ, दो फूटेंगे ना तो इनको अकल आएगी, और मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। भाई जाना कहाँ पे था मैं, मेन उसमें कंफ्यूज हो गया। ये रास्ता है ये, मैं बड़ा यहाँ से आके मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अरे भाई वो उल्टा घूमकर आ गए, लैंडमाइन किसी काम भी नहीं आया। ये सारी लाइट फोड़ के मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, पिस्टल निकालने दो, रुक जाओ। काफ़ी एपिक हो रहा है भाई अभी ये, इसे एक्यूब करना है, रीलोड करना है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। ओ भाई ये तो पटक दिया भाई इसने तो, इस बार नहीं छोड़ेगा ये। ओ मैं तो जाने दे भाई, मैं हीलिंग भी नहीं, रुक जाओ मेरे को हीलिंग करना पड़ेगा। हीलिंग मेरे पास है बट मैंने क्राफ्ट नहीं करी थी इतनी देर से बचत के चक्कर में, भागना पड़ेगा भाई। रुक जाओ यार, मैं ना अब देखो ये रॉकेट लॉन्चर इनके बजा रहा हूँ, आ जाओ। मैं इतनी देर से सोच रहा था तुम्हें बख्श दूँ, बट तुम्हें एक रुपये का अकल नहीं है ना। रुक जाओ मेरे को पिस्टल इक्विप करने दो भाई, मैं इनसे लड़ूंगा नहीं यार, एमो खराब हो रहा है यार। ये रास्ता है क्या है? मेरे को सबसे पहले ना इसे शॉर्टकट में इक्विप कर लेना चाहिए नाइफ की जगह, सब कुछ ना एकदम बढ़िया तरीके से। मैं पहले रीलोड कर लेता हूँ, मेरे पास पिस्टल भी है, मेरे पास शॉटगन भी है। ये जो जगह है ना इसका यूज़ करके शायद मैं इनको मार सकता हूँ। अभी इन्हें आने दो, अभी इसके अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं। आ जा ले, अभी हुआ ना तेरे दर्द? बता मुझे। कुछ नहीं हुआ भाई इनको, कुछ नहीं हुआ। ये लैंडमाइन मैंने इनके लिए लगाया हुआ है, इन्हें यहाँ पर आने दो। अभी दोनों के दोनों इतनी गंदी तरह फूटेंगे ना तब इनको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। आ जा तेरी ऐसे की तैसी, आ जा। गया ये, गया ये। ओ तेरी, मेरे को भी डैमेज पड़ रहा है।
कुछ भी नहीं हो रहा भाई इन्हें। बस इसी टाइम का मुझे इंतजार था। इन दोनों को मैंने नीचे मार के लॉक कर दिया है। फटाफट ये वाली सीढ़ियों से मुझे ऊपर जाना है और वो जितने भी रेड वाली लाइट्स हैं ना उन्हें फोड़ के मुझे आगे बढ़ना है। वो लाइट्स सारी की सारी यहाँ पर है। ये वाला गेट खुल जाएगा। 1, 2, 3, 4 ठीक है। अभी मुझे इतना अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि इनसे भिड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, एक टाइप से प्योरली इनविंसिबल है। वो वहाँ पर काफ़ी सारे ले पड़े हैं। मुझे यहाँ से एक और लैंड माइन मिल चुका है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक वाला बटन है। ओके ओके, आ जाओ इधर से, आओ इधर से भाई साहब, इधर इधर चाचा, उधर से नहीं, उधर से तो नहीं आ रहा ना कोई, इधर से आ जाओ। हाँ इधर से आ जाओ बॉस, ये लो। मज़ा आया कंजे? जिंदा मैं तो ये तो दोबारा, ठीक है ना, तू जिंदा है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है भाई वो किसी काम का तो है नहीं वो चीज़। रुक जाओ, शॉर्ट गन निकालनी पड़ेगी मुझको अपनी। निकल यहाँ से, ठीक है। अभी कैसा लग रहा है दोनों को? मज़ा आया? आया क्या ब्रो, मज़ा आया? लेट्स गो। गन पाउडर मिला मेरे को यहाँ से, ढेर सारी हब्स मिले हैं। सबसे पहले मुझे थोड़ी सी शॉर्ट गन की एमो क्राफ्ट करनी है। एमो ख़त्म हो गया भाई लिटरली पूरी। हीलिंग्स क्राफ्ट करते हैं बस, ठीक है। बाकी का सामान हम लोग आगे चल के ही क्राफ्ट करेंगे। जितनी शॉर्ट गन की एमो हुई है उतनी मेरे हिसाब से ठीक है। मुझे ना अभी सबसे पहले यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, एंड ऊपर जाने की जो सीढ़ी है वो मुझे यहाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। एक बारी पहले मैं थोड़ा सा ना आगे चल के देखता हूँ। यहाँ पर तो ओके, यहाँ यहाँ कुछ है। इसके अंदर से मुझे लैंड माइन मिला है, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर जो रास्ता जा रहा है यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ, और अंदर से ये भी तो नहीं खुला ना, ये भी तो लॉक है। अच्छा तो ये जा रही है ऊपर जाने की सीढ़ी, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं आखिरकार ये जगह हमें कहाँ पर लेकर जाएगी। हाइजेनबर्ग की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा डेंज। ओबे तेरी, कहीं से भी आ जा रहा है यार ये तो। रुक जाओ, ये थोड़ा एपिक था। कोई ऑप्शन नहीं है, निकल यहाँ से, साइड से निकलूँगा। फ्लैश बैंग मार के मैंने उसे अंधा कर दिया है, और अभी मेरे पास इससे बच के भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो थोड़ी देर तक मुझे नहीं देख पाएगा। यहाँ पर कुछ है, शॉर्ट गन एमो, लेट्स गो। ओ पिस्टल पिस्टल पिस्टल, 1, 2, 3, 4, 5 गया। आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी जल्दी, खुल गया रास्ता। ओ भाई साहब, इतना ज़्यादा घूमने के बाद मैं उस जगह के सामने आया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है जगह यार। गेम वालों ने इस गेम का मैप बनाने में कितना ज़्यादा दिमाग लगा दिया होगा भाई। ओके, आगे का रास्ता मुझे मिला, शॉर्ट गन एमो। बढ़ते हैं भाई आगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ये जब से वाले मॉन्स्टर आया ना, तब से मेरा हौसला थोड़ा डाउन हो गया कि मैं इनसे जीत पाऊंगा। तो पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है। ओके ओके, मिला, ले गया। निकलो निकलो निकलो, भागो भाई। मारा नहीं मैंने उसे, थोड़ी देर तक उसे बंद करा। 1, 2, 3, 4, 5 खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम, जल्दी 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 भागो, लेट्स गो। आ तेरी भाई, हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? हेलीकॉप्टर भाई प्लीज़ यार, सॉरी यार, हेलीकॉप्टर। अरे कहाँ है हेलीकॉप्टर यार, रुक जाओ, हेलीकॉप्टर को मारना पड़ेगा, रीलोड करके। ब्रो निकल यहाँ से भाई, निकलो निकलो निकलो, अबे आगे। ओ ये क्या है, मार दिया इसने मुझे, इससे कैसे बच के जाऊंगा मैं? मुझे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा यार, इससे तो बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। ओ मैं भी नीचे गिर जाता, मुझे पहले यहाँ से वाला बटन दबाना है, देन की वाली लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे को आएगी। मैं अपनी वाली गन इस बार ही रीलोड करके रखूँगा, ठीक है। वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लग रहा था मैं उसको फ्लैश बैंग मार के थोड़ी देर के लिए अंधा कर दूंगा, बट काम नहीं आई यार वो चीज़। वो हेलीकॉप्टर लगा कर आ रहा है अपने आगे, वो भी कटर है, हेलीकॉप्टर नहीं है, कटर है वो, कोई डेंजरस सा। यहाँ पर एक आएगा, मुझे इस बार डरने की ज़रूरत नहीं है। आ जा, आन दो इसको तो आने दो। ये जब थोड़ा पास आ जाएगा ना तब मैं इसे मारूंगा, ताकि इसे वापस आने में भी थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। अभी मैंने उसे एकदम मस्त सा चक्कर खिला दिया है। मुझे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ओए तेरी ऐसी की तैसी, वहाँ कहाँ लग रही है मेरी बुलेट? आराम से आगे बढ़ना है, ठीक है, आराम से। वो दीवार तोड़ के निकल के आने वाला है, उससे पहले अच्छा इधर 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 इधर, पर मैं लास्ट टाइम भी तो इधर ही आया था ना, मुझे बैठ के आगे जाना, ठीक है। अरे 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 अरे, वो
खुल जा भाई, मरूंगा वरना मैं। ओके गेट वापस बंद हो चुका है। टूट रहा है तो अबे भागो भाई, तोड़ देगा वो भाई। क्या सीन है यार, ये रहा यहाँ से। ये तो मैंने ऑन करा था ना, इसे ऑफ कर दूँ क्या? ऑफ कर दूँ इसे? नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला थोड़ी है, ये तो कोई दूसरी जगह है ना। ओ सॉरी, ये लिफ्ट है। सॉरी मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। एक बारी मैं पहले ऊपर चल के देख कर आता हूँ नज़ारा। नज़ारा भाई, ये वर्ड ही कितना अजीब लग रहा है यार, हम नज़ारे देखने आए हैं। ये जगह पे कुछ तो खास है। ओ वाओ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मेरे को थोड़ी बहुत एम्यूनिशन मिल जाएगी। ठीक है, सही है यार, चाहिए इस टाइम ना, मिल जाए ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसको भैया सीधा नीचे ना चले जाऊँ मैं यहाँ से। स्नाइपर का 5 एमो। टनल जा रही है अंदर, बंद है क्या? ओके बंद है वो, ठीक है। ओ यहाँ से रास्ता है। मैं एक तो गलत रास्ते पे आ गया हूँ, मुझे जाना लिफ्ट पे है, मैं जा कर रहा हूँ। I don't give a shit about your family drama. ये तो पागल है वो। नहीं, पागल नहीं हो तुम, बोरे तुम में तो अबे इतना दिमाग तो किसी में नहीं है भाई, तुम में ही है सारा दिमाग भाई। इनको पागल बोल दिया, अच्छा खासा वहाँ मस्ती में अपना लगा हुआ था। यार मैं गलत क्यों जा रहा हूँ यार, मुझे नहीं मालूम ये वाला रास्ता सही था या वो वाला। मुझे वापस जाना चाहिए ना, पहले एक बारी मैं वो जगह देख कर आता हूँ, क्या पता वो मेरे को ड्यूक के पास ले जाए। यार ड्यूक को देख के थोड़ा सा चिल वाला माहौल हो जाता है यार, क्योंकि वही है एक बंदा जहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं रहती। मैं एक बारी ना गाइस पहले वापस होकर आता हूँ, नीचे चलकर देखते हैं, क्योंकि ये रास्ता मेरे को लग रहा है हाइजेनबर्ग के पास ले जा रहा है मुझे, पर वो जो रास्ता है वो शायद कहीं और ले जा रहा है पीछे किसी काम से। क्योंकि अभी दो रास्तों में मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, एक ये वाला और एक पहले जो रास्ता है जहाँ पर हॉर्स वाला की लगना है। इन दोनों रास्तों में मैं कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। खैर बढ़ेंगे आगे, पहले चलते हैं यहाँ से हम लोग नीचे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं यार अभी हाइजेनबर्ग कब आएगा, कब हम लोग उससे भिड़ेंगे। ओके मुझे पता था ये ड्यूक, ये तो सिंपल था यार, खाली पे थैंक यू ड्यूक, सामान दे यार। पागल है यार हाइजेनबर्ग में, तो क्या बताऊँ, तू मालूम नहीं कुछ, मोटे बस तू बैठ गया सामान बेचता रह जाएगा। ओके तो सबसे पहले मुझे इसे ये बेचना है, टोटल 5000 यहाँ से मिल गए, 40000 मुझे यहाँ से मिल गए। ये क्या है, ये बेचना है क्या? मैकेनिकल पार्ट सिलेंडर, नहीं ये नहीं बेचेंगे यार, क्या पता वो आगे चल के किसी चीज़ में काम आए। फिलहाल मेरे पास यहाँ से 100000 ले ही हो चुके हैं, मैं इसे बेच कर ट्रेड कर लेता हूँ। अभी मैं बस 140000 हो गए, तो मैं ये 180000 की गन है, 180000 की मैं सीधा ये खरीदूँ क्या यार, बाकी चीज़ों पे पैसा ख़राब करने से बढ़िया। हाँ ठीक है, अभी जितना पैसा है मैं अपने पास रखता हूँ। ये क्या कर रहा है मोटे, मैं बाद में खरीदूँगा। सारी गन्स रीलोड कर लेते हैं अच्छे से। वैसे गाइस देखो, अभी मैं वो नई वाली गन के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो 180000 ली की है, और शायद से वो एक ऑटोमेटिक एसएमजी है, तो वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में बढ़िया तरीके से मारने में अपनी हेल्प करेगी, तो उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और मैं उसे किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना चाहूँगा। फिलहाल हम लोग पहले यहाँ से नीचे उतरते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, और अभी मुझे आगे चल कर ये देखना है। हाँ तो ये वाले टनल में मैं गया था, हाँ तो आगे चल के मुझे ये देखना है आगे जो मॉन्स्टर्स है उनको मारने के बाद मुझे हाइजेनबर्ग मिलने वाला है या फिर क्या मिलने वाला है, वो खैर वहीं पर चल के मालूम पड़ेगा। फिलहाल ड्यूक अपने साथ है, कोई भी सामान की कमी पड़ेगी हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट को एक सीधा, पहले सीधे चलते हैं देन उसके बाद राइट को जाएंगे। ओके नॉर्मल मॉन्स्टर है, पहले एक बार ना लेफ्ट भी आता हूँ, क्योंकि ये रास्ता मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही आगे लेके जाने वाला है, बट ये रास्ता थोड़ा छोटा है, क्या पता हमें कोई अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए। हेड पे ही मारूंगा सिर्फ इसके, तो पीछे हो जा वो, बस लेट्स गो, बाय बाय। हाब्स मिल गई है थोड़ी, बॉक्स में से मेरे को गन पाउडर मिल गया। हाँ मुझे पता था यहाँ पर आने का फ़ायदा है, कितना सारा सामान है भाई इधर, क्या चाहिए फिर, आगे बढ़ते हैं ना धीरे धीरे, क्या दिक्कत आ रही है, लेट्स गो। ओके तो मैं वापस यहाँ पर आ चुका हूँ। गंजे भाई साहब जी, दो गंजे भाई साहब जी यहाँ पर, रुक जाओ, आपका ध्यान इधर कैसे आया, आप अपना उधर दीवार तोड़ो ना। इनको भाई साहब पता नहीं क्या खिला पिला के मजदूरी पे लगा दिया है कि बस तुम ये वीआर बॉक्स लगाओ और दीवार तोड़ो भाई। अबे तुम्हारे साथ गंजों स्कैम हो रहा है, बच मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें बचा लो। ओ मैं डील बैठा रहा हूँ यहाँ पर एक बढ़िया, ये पागल हो रहा है, पीछे हो जा
एक और ले बाय गया टाटा हाइजेनबर्ग। एक तो इनके साथ पूरा गंदा स्कैम कर रहा है, ऊपर से मेरे पे ही फैल रहे हैं। फिलहाल हाँ कुछ है आगे, बट उससे पहले मैं ये वाली गेट खोलता हूँ। लॉक पिक, ठीक है। आगे कुछ सीक्रेट चेस्ट हमें मिलने वाली है यानी, पर मैंने पीछे ना काफ़ी सारी सीक्रेट जो ट्रेजर्स होते हैं वो सारे मैंने मिस कर दिए हैं। एंड अभी मेरे को थोड़ी बहुत एमो क्राफ्ट कर लेनी चाहिए अपनी पिस्टल के लिए, ये कर ली मैंने एमो क्राफ्ट। एंड थोड़े बहुत एक्सप्लोजिव राउंड्स मुझे यहाँ पर क्राफ्ट करने हैं। ओके ये काफ़ी ज़्यादा महंगे नहीं है, मैं इन्हें ईजिली क्राफ्ट कर पा रहा हूँ। स्नाइपर का एमो भी कर लेता हूँ, ये काम आएगा। बाकी ठीक है, सब कुछ हो चुका है। पिस्टल का एमो है ये ऑलरेडी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पिस्टल के एमो से बढ़िया ना मैं स्नाइपर का एक शॉट मारना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो अब से मैं स्नाइपर चलाऊँगा। बट अगर एकदम क्लोज रेंज में आ गए तो ऑब्वियसली यार पिस्टल ही चलानी पड़ेगी। बट यार इसकी फैक्ट्री ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही है यार। हाइजेनबर्ग शुरुआत में मिला, फ्लास्क भी उसने तुरंत दे दिया, पर पता नहीं वो क्या चाहता है। रोज़ तो जिंदा ही नहीं हुई उससे, जो मैं सोच के बैठा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोहा कौन फेंक रहा है ऊपर से? ओए संभाल के रखो यार अपना लोहा वोहा, कहाँ फेंक रहे हुए? अच्छा ये कोई ऐसी मशीन है जहाँ से पता नहीं क्या ही टूट टूट के गिर रहा है। सेंटर में कुछ तो अजीब है जो कि बाद में होने वाला है, अभी नहीं। कुछ आया, ओ अब तो मुड़ोगे भी, ठीक है लेट्स गो, आई एम रेडी। बट उससे पहले अपने पास में अपने भी तो भाई कुछ खतरनाक मशीन वगैरह निकाल लूँ ना। अब आया मजा? नहीं आया, रुक जा मैं पहले बुलेट चेंज करता हूँ। अभी मैंने इसे मारता फ्लैशबैक, अब मैं मारने वाला हूँ तेरे खतरनाक ब्रो। प्लीज मारियो मत, पीठ में लग जाएगी। ओए बच गया, नहीं मारा। आगे बढ़ो। वाह आगने दे यार, टूट जा। अरे भाई ये दो एमओ के लिए मैं क्यों रुकाऊँ, ये नहीं छोड़ेगा वरना मेरे को। रॉकेट लॉन्चर निकाल लेता हूँ मैं फटाफट से, इसमें मेरे को भी रास्ता ये है नहीं। फ्लैश बैंक मारा मैंने से, तेरे को भी फ्लैश बैंक खत्म ब्रो। जाने दे ओ पड़ गई वो, जान दे भाई, मेरा भाई है तू। वे यार ये कैसी जगह पर आना पड़ रहा है यार, हाइजेनबर्ग पे इतना पावर है क्या? अरे गधम आदमी है क्या? एक मिनट, लैंडमाइन इक्विप लो ब्रो, पैर रखो इस पे, आओ आपका आशीर्वाद चाहिए यहाँ पे। ओ तेरी आई, ये स्वाद आ गया। आ जा एक और है ब्रो, फटाफट यार इतना टाइम नहीं है मेरे पे, निकल यहाँ से जल्दी कर, इस पे आके खड़े हो भाई, ये नाराज़ हो जाएंगे कहीं डांट कैसे रहे हुए। जान दे ब्रो प्लीज, चल यहाँ से। अरे आराम से यार, ऊपर चढ़े, छोड़ दो हीलिंग बाद में, ये तो काट देगी मशीन ही। अरे भाई बच गया, मैं सीढ़ी पे खड़ा होकर इनसे बच पा रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रही है, देखो मार ही नहीं पा रही भाई ये काफ़ी सही है। गेम का छोटा सा बग हमें मालूम पड़ चुका है भाई, कि अगर हम सीढ़ी पे चढ़ जाए तो बड़े से बड़ा मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ब्रो, कर ले जो करना है। मैं पूरा रेडी हूँ इधर से लड़ने के लिए, देख रहे हो गाइस, ये चीज़ चाहिए हमें, ये चीज़ इन पे नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी कर ले तू, मेरे को नहीं मार पाएगा। बट यार मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, मैं ऊपर जाऊँगा तो गला कट जाएगा, नीचे जाऊँगा तो ये मुझे काट डालेंगे, तो मैं करूँ क्या यार? इसकी बैटरी लो हो जाए तो यार मैं टाइम पास नहीं करूँगा यार। मार ले यार एक बारी मार ले, पर मुझे जाने दे। वो हीलिंग तो भैंस की, तो बिल्कुल ही बावड़ी है, तो ये टूटेगा कैसे? अरे यार खुल जाना। वो भाई लेजर मार रहा है, रास्ता क्या है आगे जाने का? मेरे को पहले इनसे भागना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ गोल गोल रास्ते हैं, मैं यहीं से तो ऊपर आया हूँ यार, बिल्कुल मैं यहाँ से नीचे कूद रहा हूँ, नहीं जा सकता वो मैं। ओके फाइनली थोड़ा बहुत दिमाग चलाने पे कुछ नई चीज़ दिखी, मुझे पहले इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ये भी ऑफ ब्रो प्लीज़ यार, मैं नहीं आ रहा उधर, कूद के इधर आ जाओ इधर सामने को ना, मैं वापस ऊपर जाऊँ ताकि अभी एकदम मस्त निशाना लगा के जो ऊपर। ओके ये नीचे आ चुका, ठीक है थैंक यू ब्रो, मेरी बात मान रहे हाँ ठीक है। मुझे इनका तोड़ तो मालूम पड़ चुका है, सीढ़ी पे मेरे को चढ़ना है। रेजी वाले भी कह रहे होंगे भाई ये घटिया गेमर है, इसको ओ ब्रो प्लीज अडा तेरी ऐसी की तैसी, मारते बहुत तेज आ रहे। ओके गया, एक और है ना शायद कहीं, तो
कहीं पर गाइज एक और है, तीन साइड थी, नहीं सॉरी तीन साइड थी, मुझे ऊपर चढ़ जाना है एंड इसके भी रुकने का वेट करना है। रुक रहा है ना, टाइम लगाएगा क्या? मैं यहीं खड़ा हूँ मैं। अरे इसकी भैंस की टांग, कब से यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लो भाई मार लो एक बारी, एक बार से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए मेरे पास क्योंकि हीलिंग ज़्यादा नहीं है। वो तेरी पूरा मार रहा है वो भाई, बात एक की हुई थी हमारी अभी, रुक जाओ हीलिंग क्राफ्ट करनी पड़ेगी अभी, जो कि मैं नहीं कर सकता और अब टाइम आ चुका है मेरे मरने का। और क्या यहाँ पर होगा जिसके थ्रू मैं इस मशीन को रोकूं? शायद नीचे भी कुछ था ना वहाँ। ओके यार ये ओके, जल गई। इनको भी मार दो, ये दोनों घूम रहे हैं ना राक्षस से। भाई साहब फाइनली ये मशीन जल चुकी है। वो तेरी, वो नहीं भाई, रुक जा। एक बंद, ओ तेरी मैं गया। ओबे यार फटाफट अभी भागना पड़ेगा क्योंकि वरना ये लोग मेरे को मार डालेंगे। जल्दी से, हीलिंग नहीं है यार अभी। ठीक है प्लीज़ ऊपर मत आना, चैन की सांस लेने दो यहाँ पे। ओके काफ़ी ज़्यादा अजीब सीन था यार। हीलिंग्स मिल जाए अभी, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक। हब्स लेट्स गो, मुझे मालूम था यही मिलने वाला है मुझे। क्राफ्ट करते हैं, मैं अभी भी नहीं क्राफ्ट कर सकता क्योंकि मेरे पास केमिकल फ्लूड नहीं है, क्योंकि वो जो फ्लूड है वो मैंने यूज़ कर लिया था अपना रॉकेट लॉन्चर के एक्सप्लोजिव बनाने में। कुछ है क्या आगे, कुछ खास इम्पोर्टेंट जो कि मेरे काम आ जाए? ओके मैप है, मैप मैं यार यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना मैप के खेलता जा रहा हूँ ये पूरी गेम। आई थिंक मुझे इसे पीछे खींचना होगा ना। ओके आगे धक्का देना है, अब मैं शायद इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ। नहीं, ओ यहाँ टनल मिले, बट टनल में बाद में जाएंगे, पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर कुछ तो है, ओके कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल रास्ता है आगे जाने का जो कि, ओबे यार मैं मरूंगा यार कसम से भाई, मैं गया। ओ बच गया, ओ भाई यो बच गया तुम्हारा भाई, मैंने देख लिया था भाई वहां पे रेड लाइट, बट नहीं ये मैंने कुछ तो गलत कर दिया यहाँ पे। Shit, that was close. यार मैं क्यों ऐसे करता हूँ, मुझे जहां पर नहीं जाना होता मैं हमेशा वहां पे जाता हूँ। नीचे अच्छा खासा सेफ रास्ता था, मुझे वहां पर जाना चाहिए था, बट मैं हमेशा उल्टा करता हूँ यार। मैं घूम के इधर क्या करने आया हूँ, मुझे यार भाई उसमें मेरे को दिक्कत कोई नहीं होती, बस ये हो जाती है कि मेरे पास हीलिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और अब मुझे इतना ज़्यादा सेफली फाइट लेनी पड़ेगी ना इतने नूबड़े मॉन्स्टर से भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है। जंप मारूं नीचे क्या, कोई रास्ता वस्ता तो? ये वाला रास्ता भी टूट गया है कुछ अलग। भाई मेरे को तो लग रहा था मैं कट के मरूंगा सीधा, करनी ओ जंप क्यों मार रही है यहाँ से, रास्ता है तो थोड़ा ध्यान से देखो यार। उज्जवल भाई क्या कर रहे हो यार, आराम से चलते हैं। अभी कुछ होने वाला है गदर, ये सीढ़ी 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 सीढ़ी, मेरे को पहले यहाँ से निकलना है भाई, मेरे को पहले उस जगह पे वापस जाना है भाई। ये क्या है, खुल जाएगा नहीं? प्लीज़ यार एक बार उस जगह पे वापस ले जाओ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था एक्चुअली में। मुझे लग रहा था कि ऊपर ऐसी कुछ एक आध सामान पड़ा होगा, पहले वहाँ चल लेता हूँ, नीचे तो जाना ही है बाद में भी, बस ये सोच के मैं आगे बढ़ गया। और फिर जब बाद में पता चला ये तो भैया पूरा गेम ही पलट गया यहाँ पे आके, तो चीज़ ही अलग समझ आई। एंड यहाँ पे कोई बटन है एंड आई थिंक यहाँ से लिफ्ट। ओके मैं लिफ्ट पे खड़ा था, वाओ यार मैं हाइजेनबर्ग के क्लोज बढ़ता जा रहा हूँ जबकि मुझे अभी नहीं जाना वहाँ, एमओ चाहिए। भाई ओके अब हाइजेनबर्ग पुअर पापा, मतलब कि ये जो ईथन की बेटी रोज है ना उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर है जो कि इन ये जो यहाँ के खतरनाक से बंदे हैं अजीब से ये मॉन्स्टर्स इनको मालूम पड़ गया कि इसकी जो बेटी है उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर है। और अभी हाइजेनबर्ग उसका यूज़ करके मदर मिरांडा को मारना चाह रहा है। मैं यहाँ से कूद के यहाँ पर अभी ये स्कूल की बेल बजी किसी के। There's more.
यार वो बड़े डेंजरस मॉन्स्टर आ रहे हैं यार यहाँ पे, उनको तो देख के ही ऐसा लग रहा है मैं नहीं मार पाऊँगा फिलहाल। हाँ अभी आ चुके हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज इस जगह के। यहाँ पर यार ये कौन सा की लगना है यार यहाँ पे, वो की मेरे को अभी तक नहीं मालूम पड़ा है। फिलहाल अभी मुझे एक मोल्ड मिला है एंड ये है लिफ्ट जिसके थ्रू मुझे वापस से नीचे जाना है। होता क्या है कोई बंदे की लिफ्ट ऊपर आती है? अच्छा नहीं नहीं कोई लिफ्ट ही ऊपर आ रही है वहाँ से। केमिकल फ्लूड मिल गया, मैं हीलिंग क्राफ्ट करता हूँ। ठीक है लेट्स गो, हीलिंग कर लेता भाई पहले अपने आप को। अब होने वाली है हाइजनबर्ग से बहुत डेंजरस वाली फाइट। ओके हेलो ड्यूक, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। गेम सेव करा दे यार। ड्यूक ही एक बढ़िया बंदा जो कि भाई अपनी हेल्प कर देता है। मोटे का पेट देख रहे हो, इसके एक बुलेट मारूं? ओ नहीं मार सकते, तेरा तो सर खोल देता वरना मैं पहले ही। मेरे को खैर सामान बेचना टेंशन में आ गया था यार इसके चक्कर में। हाँ मुझे यहाँ पर से चाहिए सबसे पहले 140, मैं कुछ बेचूँ इसे, बेच के देखते हैं क्या पता कोई महंगा मटेरियल अपने पास हो जो बिक जाए एंड अपनी नई वाली SMG मेरे को मिल जाए। एंड आई थिंक मेरे को विश्वास हो रहा है वो मिल सकती है। ओके अरे मैं अपनी एमो क्यों, एमो नहीं बेच रही मेरे को, सॉरी एमो क्यों बेचूँ? ड्यूक लूट रहा है नूबड़ा। मैकेनिकल पार्ट, लार्ज क्रिस्टल एंड क्रिस्टल फ्रैगमेंट, ये तीन चीज़ें मैं बेचता हूँ और देखता हूँ मेरे को भी कितना पैसा मिलेगा। 1,57,000 ली, खैर काफ़ी ज़्यादा है बट सीन अभी पता है कुछ ऐसा है कि वो 1,80,000 की है ना, तो हम लोग उससे कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे फिलहाल। अभी मुझे यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इस वाले गेट को खोलना पड़ेगा और मेरे पास कोई ऐसा आइटम है जो इस गेट को खोल दे? मुझे कोई की वगैरह तो पीछे से मिली ही नहीं, या तो मैंने कहीं कोई की मिस तो नहीं कर दी? ये डिमिट्रस की लगेगी? नहीं, ये सब की मैं फेंक नहीं सकता क्या? खाली पीली इन्वेंट्री में भरी पड़ी है। ओके गाइस तो मैं इतनी देर से सोच रहा था कि मुझे आगे कहाँ से बढ़ना है, ये गेट की चाबी तो मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा, बट अभी मुझे मालूम पड़ा कि आगे बढ़ने का रास्ता है ये पाइप जो नीचे से जा रही है। मुझे यहाँ से इसके ऊपर जंप मारना है और फिर शायद मैं यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँचूंगा और ये जगह मेरे को हाइजनबर्ग के पास ले जाएगी और उससे हमारी बहुत डेंजरस वाली लड़ाई होने वाली है। और ये कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं है, कुछ ज़्यादा पावरफुल है और ये सब कुछ मदर मिरांडा को मारने के लिए कर रहा है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 5,00,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। एंड जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय। Yeah.